तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीते मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पायलट अपने हजारों समर्थकों के साथ टोंक जिले में नामांकन का पर्चा भरने पहुंचे थे। अब सोशल मीडिया पर हो रही है एक तस्वीर वायरल, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीर को शेयर करके दावा किया गया है कि यह सचिन पायलट के नामांकन में उमड़ी भीड़ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने वायरल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ये सचिन पायलट के नामांकन का नज़ारा है, राजस्थान में कांग्रेस फिर आ रही है। इसके अलावा कई अन्य यूजर्स ने भी वायरल तस्वीर को सचिन पायलट के नामांकन का बताते हुए शेयर किया है। दी लल्लन टॉप की पड़ताल में वायरल तस्वीर 5 साल पुरानी निकली। सच्चाई जानने के लिए हमने तस्वीर को गूगल रिवर्स सर्च किया। हमें भारत के पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस के पूर्व सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन के एक्स हैंडल से 5 दिसंबर 2018 को किया गया एक ट्वीट मिला। इसमें वायरल तस्वीर मौजूद है। कैप्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक यह अजहरुद्दीन के गृह राज्य तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान क्लिक की गई तस्वीर है। इस ट्वीट में #प्रजाकुटामी फॉर तेलंगाना भी लिखा हुआ है। आपको बता दें, साल 2018 में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त सत्तारूढ़ TRS पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP, तेलंगाना जनसमिति और कम्युनिस्ट पार्टी ने एक संयुक्त गठबंधन बनाया था। इसका नाम रखा गया था प्रजाकुटामी यानी कि लोगों का दल। तस्वीर को कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने अपने एक्स हैंडल से दिसंबर 2018 में शेयर किया था। इसके कैप्शन में बताया गया कि यह तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR के विधानसभा क्षेत्र की है, जहां कांग्रेस ने तेलंगाना में अब तक का सबसे बड़ा रोड शो आयोजित किया था। थोड़ी और खोजबीन करने पर पता चला कि वायरल तस्वीर 4 साल पहले भी भ्रामक दावे के साथ शेयर की गई थी। साल 2019 में कांग्रेस की तत्कालीन प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी 4 तस्वीरों के एक कोलाज को शेयर किया था, जिसमें एक फोटो यह भी थी जो अभी वायरल हो रही है। इस कोलाज को प्रियंका गांधी की फरवरी 2019 में लखनऊ में हुई रैली का बताया गया था। लोगों की तरफ से ध्यान दिलाने के बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट डिलीट कर नया ट्वीट किया और अपनी गलती स्वीकार की थी। तो कुल मिलाकर नतीजा ये है कि तेलंगाना में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की 5 साल पुरानी तस्वीर को सचिन पायलट के नामांकन की फोटो बताकर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया गया है। आपके लिए पड़ताल की थी हमारे साथी शुभम ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है, आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज लल्लन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। तो सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरा पाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात कर रही है? लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से। और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है ये। राजस्थान जाओगे तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।